अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए वीवीआईपी विमान तैयार। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की लागत 20,000 करोड़ बताई जाती है। दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था, मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं सर जो राशन की दुकान से राशन लेने नहीं जा सकते। कितनी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो राशन की दुकान से राशन नहीं ला सकती। पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। हमें इस टैक्स के मालिक और जो सरकारी अफसर है वो तो हमारे नौकर है, क्योंकि उस टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए। गर्दन पर चाकू रख दिया, मेरी बेटी का एक्सीडेंट करा दिया गया। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्यों सर, लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने की योजना बनाई थी। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं ली गई। इस योजना पर रोक लगाई गई है केंद्र की ओर से चिट्ठी लिखकर। अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा। और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है, ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है, ये राशन तो इस देश के लोगों का है। इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है, ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। फिल्म जगत के लोग अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहाँ पड़ने वाले छापे पर बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं। मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक के संपादक संस्थापक प्रवीर पुरकायस और गीता हरिहरन के यहाँ प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी का छापा पड़ता है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है, आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं, हम सब भारतवासी हैं। देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा, इन्हें और अगले 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर।